ओडिशा रेल हादसे को 120 घंटे से ज्यादा हो चुके हैं, अभी भी 91 शवों की पहचान नहीं हो सकी है। ऐसी ढेरों डेड बॉडीज हैं जिन पर कई परिवार दावा कर रहे हैं। कई लोग हादसे के बाद से लापता हैं, जिनकी तलाश में उनके परिजन अस्पताल और पुलिस स्टेशन के चक्कर काट रहे हैं। उधर कांग्रेस के स्पोक पर्सन अजय कुमार ने पूरी घटना के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव को जिम्मेदार बताया है। अजय का कहना है कि रेल मंत्री की ओर से यह एक साजिश थी, जिसकी वजह से बालासोर रेल हादसे में 288 लोगों की मौत हो गई और 1000 से ज्यादा लोग घायल हुए। CBI को PM और रेल मंत्री के खिलाफ FIR दर्ज करनी चाहिए। अजय कुमार ने आगे कहा कि रेल मंत्री ने हादसे के बाद से जिस तरह से नाटक किया है, ऐसे में उन्हें ऑस्कर अवार्ड दिया जाना चाहिए। मामले में मोहम्मद इनाम उल हक का कहना है कि मेरा एक भतीजा है जिसकी हमने पहचान तो कर ली है, लेकिन 5 और दावेदार हैं। सभी कह रहे हैं कि यह उनका रिश्तेदार है, इसलिए उसकी बॉडी का टेस्ट DNA करवाया जाएगा। भुवनेश्वर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ने बताया कि जिन शवों की शिनाख्त नहीं हो पाई है, उनकी पहचान DNA टेस्ट से की जाएगी। शव पर दावा कर रहे परिजनों के 30 DNA सैंपल दिल्ली एम्स को भेजे जाएंगे। यहां से 7-8 दिनों में रिपोर्ट आएगी। रिपोर्ट के बाद ही रिश्तेदारों को संबंधित डेड बॉडी सौंपी जाएगी। भारतीय जनता पार्टी ने तृणमूल कांग्रेस पर आरोप लगाया है कि पार्टी ने हादसे के पीड़ितों को मुआवजे के तौर पर 2000 के रुपए के नोट दिए हैं। बंगाल भाजपा अध्यक्ष सुकांत मजुमदार ने मंगलवार को एक वीडियो पोस्ट किया, जिसमें साउथ 24 परगना का एक परिवार 2000 रुपए के नोटों का बंडल पकड़कर बैठा था। मजुमदार ने कहा कि मुआवजा मिलना अच्छी बात है, लेकिन 2000 रुपए के नोट देना कितना सही, जब इन नोटों को एक्सचेंज के लिए जाने की प्रक्रिया जारी है। अब इस परिवार को बैंक जाकर इन नोटों को बदलाना पड़ेगा, क्या इससे इस परिवार की मुश्किलें नहीं बढ़ जाएगी? ममता सरकार 2000 रुपए के नोट को देकर काला धन को सफेद कर रही है। इसी के साथ बने रहिए राजनामा TV के साथ। धन्यवाद।